हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं रेनू रिवा ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मॉर्निंग के बज गए हैं, आज 7:30 हो रहे हैं और कल संडे था, वो सॉरी सैटरडे था। तो कल का वीडियो मेरा नहीं देखा तो जाके देखिए, मेरा वीडियो लाइव हो चुका है। कल हम गए थे मार्केट, इसलिए थोड़ा सा आज लेट उठी हूँ। और अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी मैं कचरा डाल के आ रही हूँ, इसलिए मैं ऐसे बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और सर्दी भी है। ये देखिए, बाहर हवा चल रही है। अभी मेरे को कपड़े धोना है, बहुत ज़्यादा कपड़े धोना है। ये देखिए, कल मार्केट जो पहन के गए थे सबको धुलना है, बट बारिश हो रही है। बारिश तो हो नहीं रही बट धूप नहीं है, इसलिए अभी कपड़े धोकर बाहर टगाती हूँ। देखती हूँ कब तक बारिश आती है और कब तक नहीं, इसलिए कपड़े जल्दी धो के टगा देती हूँ। इसके बाद दूसरा काम करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, आज है संडे और मेरे बेटे को पास्ता चाहिए था, इसलिए देखिए पास्ता बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि वो डेली स्कूल में भी बोलता है पास्ता लेके जाना, बट मेरे पास्ता तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी आज उसके लिए पास्ता बना रही हूँ। अभी मौसम भी जो देखिए, बाहर का मौसम ऐसे है। और अभी कुछ नहीं किया, हस्बैंड और बच्चे जग गए तो उनके साथ बातें कर रही थी। थोड़ा आज संडे है इसलिए थोड़ा सा ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे। और अभी उन्होंने बोला पास्ता खाना है, पास्ता बना रही हूँ। अभी मेरा काम भी ऐसे ही पड़ा है, आलस हो जाता है जिस दिन लेट होता है काम, तो लेट होते ही जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड, बारिश होने लगी। अभी थोड़ा मौसम खुला हुआ था और अभी बारिश होने लगी। कपड़े उठा के मैं अंदर रख दी हूँ, जो अभी धुले हैं उनको आगे वाली बालकनी में डालेंगे। मैं नहा ली और अभी मेरी पूजा भी हो गई है। मैं देखने आई तो बारिश हो रही है, अभी मैं कपड़े बालकनी में डाल लेती हूँ। बच गए हैं 12 और फिर मेरा खाना बनाने का टाइम रहता है। देखिए, पूरे घर में सिर्फ कपड़े ही दिखते हैं क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती, तो अंदर बाहर करते रहते हैं। और अंदर अगर अच्छे से सूखे नहीं होंगे कपड़े तो उनमें फफूंद सी लग जाती, इसलिए अभी मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। तो मेरी बिंदी गिर गई है, अभी बिंदी बाद में थोड़ी देर से लगाऊँगी क्योंकि यहाँ वाइट वाइट हो जाता है इसलिए। और अभी मैं कपड़े मशीन से निकाल के दिखाती हूँ आपको। मशीन में इतने कपड़े डाले हैं, फिर मैं सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। फ्रेंड, मैंने बालकनी में कपड़े डाल दिए, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और बारिश हो रही है। अभी मैंने कपड़े डाल दिए बालकनी में, ये देखिए पूरे। और देखिए मौसम कैसा है इधर का। अभी टाइम हो गया खाना बनाने का। खाने में आज हमारे यहाँ बनेगा इडली सांभर और नारियल की चटनी, अभी देखते हैं। फ्रेंड, हमारे यहाँ कितनी तेज बारिश हो रही है, ये इधर का मौसम ही है, पूरे 12 महीने ऐसे ही चलता रहता है। फ्रेंड, ये देखिए मेरा सांभर बन गया है, इधर मेरा डोसा पक रहा है, इसमें और इडली बन रही है, ये इधर भी इडली बना रही हूँ और इधर बन गई है। और मैं अपने बेटे को दे रही हूँ खाने के लिए, और अब प्लेन डोसा ही खाता है मेरा बेटा, इसलिए मैं उसको प्लेन डोसा बना रही है। देखिए, उधर हमारा इडली पक रही है, संडे से चला है इडली डोसा। और आप लोग कैसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए, सांभर में मैंने चना दाल, उड़द दाल और काली सरसों का तड़का देखे। फ्रेंड, देखिए इडली सांभर बनाने से पूरे किचन में कितना मैसी हो जाता है। ये देखिए, अभी एक बार का बर्तन धो लिया था, फिर उतने ही गंदे हो गए बर्तन। और ये देखिए, अभी हमारा खाना हो गया है दोपहर का। दोपहर के बज गए 1 और हमने आज जल्दी खाना खा लिया। और अभी मेरे को पूरा किचन क्लीन करना है, फिर मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कल रिलायंस से सूट कौन सा लेके आई और क्या क्या लेके आई थी। ठीक है, अभी मैं पहले काम कर लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ। फ्रेंड, देखिए मैंने बर्तन धुल लिए, अभी मैं पूरा किचन मेरा साफ हो गया। वो डोसा तवा रखा है, मेरा बच्चा कभी भी बोल दे मेरे को कुछ डोसा खाना है अभी तो और से भी ये डोसे तवे ज़्यादा धुलना नहीं चाहिए, ख़राब हो जाते हैं इसलिए। और ये देखिए, इतने कपड़े रखे हैं, मेरे को इनमें प्रेस लगाना है, प्रेस करना है। मैं ये कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ। और हमारे लिए कोई संडे और कोई मंडे नहीं होता, हमारे लिए तो बराबर ही डेली का वही काम होता है। कितना भी अगर हम सोच लिए कि काम है तो काम ही होता रहेगा। हम अपने लिए तो 5 मिनट भी टाइम ना निकाले अगर सोच लिया कि ये काम है वो काम है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, कभी कुछ काम लगा ही होता है। अभी बज रहे दोपहर के 2 बज गए हैं, खाना खा के बर्तन धो लिया, अभी अब कपड़े में प्रेस लगा लिया। अगर लेट गए, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए
तो काम भी लेट ही होता रहता है, इसलिए अभी कपड़े में प्रेस कर लेते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है, किस किस को, और फिर और एक ये भी है कि ये भी सुनने को मिलता है, काम ही क्या है घर में। बस यही सुनने को मिलता है कि घर में काम ही क्या है, अकेले हो, एक बच्चा है, ऐसा है, यही होता है। किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन कौन करता है, हम ही करते हैं। और आखिरी में भी यही सुनने को मिलेगा, काम ही क्या है। और अभी मैं प्रेस करके आपको दिखाऊंगी मैं कल क्या लेके आई थी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। क्योंकि अभी आपको पता है मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं आपको हाउस वाइफ का ही वीडियो दिखा सकती हूँ। बट प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं कपड़े में प्रेस कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए फ्रेंड, मैंने कल रिलायंस ये दो कुर्ते लेके आए थे, ये स्मॉल साइज़ ये है, ये देखिए, और एक ये वाला लेके आई थी। फिर मैं रिलायंस से दो लेके आई, और ये तो मेरे हस्बैंड का टी शर्ट है दोनों, और ये इयर रिंग लेके आई थी। ये देखिए कैसी लग रही, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये, और एक ये लेके आई। और मैं तो ऐसे ज़्यादातर पहनती नहीं, कान में गोल्ड का भी और आर्टिफिशियल भी बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ये कान में पहनना बहुत ही कम पसंद है। पर ये मेरे सूट कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं इसलिए कॉटन कपड़े लेके आती हूँ, मुझे कॉटन सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं प्लाजो के साथ पहनने के लिए। तो रेड प्लाजो है मेरे पास लेके आई थी, या कि वाइट। और मैं ऐसे नॉर्मली कपड़े पहनती हूँ, ज़्यादा फैंसी कपड़े मुझे पसंद नहीं है। और एक ये जीन्स लेके आई थी, जीन्स मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये आजकल ये प्लाजो सेट का है ना, ये देखिए ऐसा है, ये लेके आई थी ये देखिए। और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादातर तो रिलायंस से ही सूट लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे कॉटन कपड़े ही पसंद आते हैं। तो रिलायंस में अच्छे से ये 599 ऐसे करके का रेट होता है, ये तो शायद ये है 600 का है, ये 600 का एक है, ये है। तो ऐसे ही मैं नॉर्मली कपड़े ख़रीदती हूँ, मुझे सिंपल कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। मुझे दूसरों के ऊपर ऐसे ज़्यादा चमक धमक कपड़े अच्छे लगते हैं, बट अपने ऊपर नॉर्मली कपड़े अच्छे लगते हैं। और आप लोग को कैसे कपड़े पसंद है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी बच गए हैं दो, अब मैं प्रेस कर चुकी हूँ, कपड़े फोल्ड करके रख दी, और आज वाले तो पूरे बाहर ही पड़े हैं क्योंकि बारिश हो रही है। अभी मैं ये थोड़ा सा जो शॉपिंग करके आई थी, मैं बोली आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो इसलिए मैं आपको, आप फैमिली हो इसलिए मैं आप बोली आपको दिखा देती हूँ कल मार्केट गए तो क्या क्या लेके आए। और आपको मेरा सूट, मेरे इयर रिंग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग तो अभी 2 बज रहे, 4 बजे 1 घंटे लेटूंगी अभी थोड़ी देर, फिर हो जाएगा, फिर वही चाय बनाना, फिर बर्तन धोना, फिर वही काम। हम लेडीजों का काम, हाउस वाइफ का, तो कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होना। अगर सोच लिया अपने लिए टाइम नहीं निकालना तो नहीं निकलेगा, निकालना है तो सुबह से शाम भर जल्दी काम कर लो, जल्दी उठ जाओ, जल्दी काम हो जाता है। अभी मैं रेस्ट करती हूँ, ज़्यादा बकर बकर नहीं करती, नहीं तो आप बोलोगे टाइम वेस्ट कर रहे, इसलिए अभी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। इवनिंग का टाइम हो गया है और बज गए हैं 5, और अब मैं बना रही हूँ चाय, और इवनिंग का झाड़ू भी लग गया है। बर्तन तो मैंने दोपहर को ही धो लिया था, अभी सिर्फ चाय बन रही, चाय पियेंगे, फिर इसके बाद फिर बैठेंगे, फिर काम होगा। अभी चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं।